बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको बड़ी खबर से गा करते चलें कि इब्रार अहमद ने मुल्तान टेस्ट मैच में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले। इब्रार अहमद जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस करके रख दिया और अपने डेब्यू मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो आज तक टेस्ट क्रिकेट की 146 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख में कोई भी बॉलर ना कर सका। इब्रार अहमद ने बड़ा एजाज़ पा लिया। दोस्तों आपको बताते चलें कि इब्रार अहमद जो कि अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे और मुल्तान टेस्ट मैच में इब्रार अहमद ने इंग्लैंड की पहली लगातार 7 विकटें इब्रार अहमद ने ही हासिल की, जिसके बाद इब्रार अहमद दुनिया के वो वाहिद बॉलर बन गए जो कि अपने टेस्ट डेब्यू में पहली लगातार 7 विकटें लेने वाले बॉलर बन गए। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलें कि इब्रार अहमद ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड का पहले सेशन में 5 विकटें हासिल की। इस तरह टेस्ट क्रिकेट की तारीख में डेब्यू मैच में और पहली सेशन में 5 विकटें हासिल करने वाले इब्रार अहमद दुनिया के पहले बॉलर भी बन गए। इसके अलावा इब्रार अहमद मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड पर अपनी पहली इनिंग में भी 7 विकटें लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके अलावा इब्रार अहमद इंग्लैंड टीम के खिलाफ पहली इनिंग में और लगातार 7 विकटें हासिल करने वाले भी दुनिया के पहले बॉलर बन गए। दोस्तों आपको बताते चलें कि आज के खेले जाने वाले इस मुल्तान टेस्ट मैच में इब्रार अहमद ने अपने पहली मैच में कई बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करके दुनिया को हैरान करके रख दिया है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इससे पहले टेस्ट डेब्यू में पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा यानी कि एक मैच में 7 विकटें जाहिद महमूद की थी, तो अब इब्रार अहमद ने टेस्ट डेब्यू में जाहिद महमूद का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। अगर इब्रार अहमद अपनी अगली इनिंग्स में एक विकेट भी हासिल कर लेते हैं तो फिर इब्रार अहमद जाहिद महमूद से भी एक बड़ा रिकॉर्ड छीन लेंगे। लेकिन एजाज़ की बात यह है कि इब्रार अहमद अपने टेस्ट डेब्यू में लगातार 7 विकटें हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है।